हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई एकदम निरंतर और अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो जोन की इस इकोनॉमिक क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं गरीबी से संबंधित विभिन्न आंकड़े और गरीबी से संबंधित समितियों के बारे में। ये बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गरीबी का जो लेटेस्ट जो डाटा है उससे भी पूछा जाता है, और उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण डाटा है, एक तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट और दूसरा है रंगराजन कमेटी रिपोर्ट। और फिर उसके बाद गरीबी से संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, गरीबी हम लोगों ने समझ लिया, सापेक्ष निरपेक्ष गरीबी रेखा सब समझ लिया हम लोग। अब फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे इन्हीं आंकड़ों के आधार पर, ये बराबर सवाल पूछते हैं जी। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे अद्यतन आंकड़ा यानी लेटेस्ट डाटा ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी से संबंधित लेटेस्ट डाटा जो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। तो सवाल, पहला सवाल तो यही बन जाता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर जो समिति है, कहीं कहीं केवल तेंदुलकर समिति लिख देता है, तो तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है। तो आइए, तेंदुलकर कमेटी के आधार पर जो गरीबी मापने का जो पैमाना रखा गया था वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है गरीबी का पैमाना। गरीबी का पैमाना किसके आधार पर, तेंदुलकर कमेटी के आधार पर। तो तेंदुलकर समिति ये कहता है, तेंदुलकर समिति ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है, यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है और उसकी जो उपभोग व्यय है, ये क्या चीज है, ये उपभोग व्यय है, ये है उपभोग व्यय के आधार पर निकाला गया है। उपभोग व्यय ये क्या चीज है, ये है मासिक उपभोग व्यय एक महीने में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उपभोग व्यय। तो शहरी क्षेत्र का यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है, अगर वो एक हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना यानी एक महीने में एक व्यक्ति 1000 रुपये उपभोग व्यय कर रहा है, यानी खाने पीने पहनने वगैरह में खर्च कर रहा है, तो व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं है शहरी क्षेत्र का। अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, 816 रुपये प्रति माह उसका क्या है, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। आय की बात नहीं हो रही है, ये आय की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, उपभोग व्यय की बात कर रही है। जैसे हम खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, तो क्या चीज़ होता है, एक महीने में हमने कितना खर्च किया, तो ये उसी को आधार बनाया गया है यहाँ पे। तेंदुलकर कमेटी उसी को आधार बनाया है कि यदि कोई शहर का व्यक्ति है, उसका उपभोग व्यय, मासिक उपभोग व्यय जो है, यदि 1000 रुपये प्रतिमाह है या 3300 रुपये प्रतिदिन है, ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति यदि ग्रामीण क्षेत्र का है, अगर उसकी महीने का जो उपभोग व्यय है 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है, या प्रतिदिन की बात करें 27 रुपये प्रतिदिन है, यानी इतना वो प्रति माह या प्रतिदिन उपभोग कर लेता है, उपभोग व्यय उपभोग पर खर्च कर देता है, तो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इतना से यदि कम करता है, इतना से यदि वो कम करता है, खर्च कम कर पाता है, नहीं कर पाता है उपभोग व्यय, यानी 1000 रुपये शहरों में और गाँवों में 816 रुपया, यदि कोई व्यक्ति है शहर का, 1000 रुपये शहर में उपभोग व्यय उससे उसका कम है, गाँवों में 816 से उसका कम है, तो क्या चीज़, वो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आ जाएगा। यानी गरीबी मापने का जो पैमाना यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी के द्वारा रखा गया है वो शहरी में 1000 और गाँवों में 816 रुपये। आप बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है, ना विडम्बना, एकदम यहाँ पर गरीबों का मजाक बना दिया गया। अब आप ही बताइए, आज के समय में यदि बात किया जाए, तो 1000 रुपये शहर में, 1000 रुपये शहर में कोई व्यक्ति खा पी लेगा महीने की बात कर रहे हैं, यानी एक दिन में कोई भी व्यक्ति हो 33 रुपये में, 33 रुपीज़ में वो एक दिन में अपना गुजारा भत्ता कर लेगा, खा भी लेगा, पहन भी लेगा, और उसमें से वो आवास की भी व्यवस्था कर लेगा, क्या ये संभव है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से गरीबों के साथ क्या है, ये मजाक है, मजाक, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ है, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रखे हैं लोग। तो खैर, हमें तो डाटा याद करना है, क्योंकि पूछता है आपके एग्जाम्स में, ये पूछता है कि
शहरों में पैमाना क्या है और गांवों में पैमाना क्या है तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार। अब देखिए, चूंकि ये जब रिपोर्ट आया तो बड़े पैमाने पर इस रिपोर्ट का क्या हुआ, बड़े पैमाने पर इस रिपोर्ट पर चर्चा होने लगी और मजाक उड़ाया जाने लगा कि गरीबी मापने का ये कौन सा पैमाना है, ये क्या चीज़ है, एक तरीके से गरीबों के साथ ये अन्याय है, मजाक है। तो जब मजाक उड़ाया जाने लगा तो सरकार जब दबाव में आई, प्रेशर में आई सरकार, तो इस कमेटी के यानी जो तेंदुलकर कमेटी का जो रिपोर्ट था इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, रंगराजन कमेटी का गठन कर दिया। तो रंगराजन कमेटी की चर्चा करने से पहले हम ये बताएं कि तेंदुलकर कमेटी का जो ये रिपोर्ट है, जो गरीबी का ये जो पैमाना है, इस आधार पर गरीबी मापा गया, इस आधार पर गरीबी मापा गया। तो यहाँ पर देखिए, इस आधार पर गरीबी का जो पैमाना मापा गया वो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये लेटेस्ट है, ये 2011 में आया था। तो 2011 में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, 2011 में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इस रिपोर्ट के आधार पर 25.7% यानी टोटल आबादी का, भारत के कुल आबादी का 25.7% ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, गरीब थी। अगर वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहर में 13.7% जो आबादी थी वो क्या थी, गरीब। अगर कुल भारत की बात करें, अगर कुल भारत के नज़रिए की बात करें तो कुल भारत में 21.9% क्या था, गरीबी था, 21.9%। यही तेंदुलकर कमेटी 2004-05 में भी गरीबी को मापा था और उस समय गरीबी का जो मापा गया था तो गांव में 41.7%, शहरी में 25.7% और कुल भारत में 37.2% थी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यानी डायरेक्ट हम यहां पर 6-7 सालों के अंदर पर हम यहाँ पर गरीबी कितना घटा दिए, 37.2% से घट के गरीबी कितनी आ गई, 21.9%। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये बताया था कि जब भी कोई गरीबी या बेरोजगारी से संबंधित कोई रिपोर्ट बनती है तो उस समय जो सरकार होती है उसका उस पर प्रेशर होता है, दबाव होता है कि कुछ ऐसा आप बनाइएगा, कुछ भी गरीबी का आप आंकड़ा दीजिएगा तो वहाँ पे हमारे कार्यकाल में कम से कम गरीबी तो दिखना कम दिखनी चाहिए। मान लीजिए गरीबी कम नहीं दिखेगी, बेरोजगारी कम नहीं दिखेगा तो आप लोग सत्ता में जो भी बैठा होगा, प्रधानमंत्री होगा, आप उसको बैठने देंगे, पूरा बवाल मच जाएगा। तो यहाँ पर यही कारण कि देखिए चाहे कुछ भी पैमाना इसी तरीके से रखा गया और गरीबी को घटा दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के नज़रिए से, अब हम यदि टोटल बात करें एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो आपको क्या रखना है याद, आपको याद रखना है कि तेंदुलकर कमेटी जो है वो निर्धनता से संबंधित है, गरीबी संबंधित है। और क्या याद रखना है कि 2004-05 में पूरे भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना था तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, तो 37.2%। 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कितना था, 21.9%। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का पैमाना क्या है, तो 1000 रुपये प्रतिमाह, 33 रुपये प्रतिदिन, 816 रुपये प्रतिमाह और 27 रुपये, ये याद रखना। अब आइए, जब इसकी आलोचना शुरू हो गई तो सरकार ने क्या किया, तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट पर रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक और कमेटी को गठित कर दिया और उसका नाम क्या था, उसका नाम था रंगराजन कमेटी। उसका नाम था क्या चीज, रंगराजन कमेटी को बैठा दिया गया, ठीक है ना। 2014 में ये अपना रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, 2014 में अपना रिपोर्ट क्या चीज प्रकाशित करते हैं। अब यहां पर आइए, अब कमेटी तो बैठा दिया गया लेकिन सरकार का इन पर भी दबाव था भैया कि गरीबी हमारे कार्यकाल में ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, पैमाना को बदल दिया। जो यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह उपभोग व्यय रखे थे तो यहाँ पर रंगराजन कमेटी में कितना रख दिया गया, 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये। तेंदुलकर कमेटी शहरी क्षेत्र में कितना था, 1000 रुपये प्रतिमाह उपभोग व्यय। रंगराजन कमेटी शहरी क्षेत्र में कितना है, 1407 रुपये प्रतिमाह उपभोग व्यय। और यहाँ पर देखिए,
ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुलकर कमेटी 816 रुपये प्रति महीना और ग्रामीण क्षेत्र में रंगराजन कमेटी के अनुसार 972 रुपये प्रति माह रख दिया गया, ठीक है ना। ये गरीबी का पैमाना रखा गया। अगर इसे दिन के हिसाब में देखें तो शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन, यानी कोई व्यक्ति रंगराजन कमेटी के अनुसार, रंगराजन कमेटी के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन एक दिन में उपभोग कर लेता है, या अगर पूरे महीने की बात करें तो 1407 रुपये, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह या पर डे के हिसाब से 32 रुपये प्रतिदिन उपभोग व्यय कर लेता तो व्यक्ति गरीब नहीं है। यदि इसके नीचे अगर इतना उपभोग वो नहीं कर पाता है, उपभोग व्यय पर खर्च नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा, नीचे गरीब की श्रेणी में आ जाएगा। इस पैमाने के आधार पर, रंगराजन कमेटी के इस पैमाने के आधार पर जो गरीबी को मापा गया, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2011-12 में गरीबी का अनुपात, जैसे ही देखिए थोड़ा सा पैमाना को बढ़ाया गया, गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में 30.9, शहरी क्षेत्र में 26.4 और टोटल भारत में 29.5%। यहाँ पर देखिए इससे कंपेयर करिए, तेंदुलकर कमेटी कितना रखे थे, 33 रुपये प्रतिदिन 1000 रुपये, और ये 816 27 रुपये। और इस आधार पर 2011 में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, 25.7 था, और जैसे ही बढ़ाया गया है ये, तो देखिए यहाँ पर 30.9 हो गया, और ये शहरी क्षेत्र में 13.7 यहाँ बढ़ के हो गया 26.4, और यहाँ पर टोटल 21.9% था, और रंगराजन कमेटी के अनुसार बढ़ के कितना हो गया, 29.5% हो गया, 29.5%। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैमाना बढ़ाया गया तो गरीबी का अनुपात भी बढ़ गया। हालांकि ये भी एक तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा हंसी ही आएगा आपको कि कैसे गुजारा होगा कोई व्यक्ति का एक महीने में 1400, शहरी क्षेत्र में 1407 और ग्रामीण क्षेत्र में 972। आज के समय में ये प्रासंगिक लगता है, ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम्स में यही सारे पॉइंट्स आएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको गरीबी के दो रिपोर्ट मिले, एक तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट वो क्या कहता है और उसके आधार पर गरीबी प्रतिशत क्या है, रंगराजन कमेटी का पैमाना क्या है और उसके आधार पर गरीबी प्रतिशत क्या है, ये सारा का सारा आपको याद रखना है और यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखा जाए भारत में निर्धनता से संबंधित कौन कौन सी समिति आई थी, भारत में निर्धनता से संबंधित कौन कौन सी समिति आई थी। तो सबसे पहले यदि सवाल है कि भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन किसके द्वारा किया गया था, भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक किताब थी, बहुत ही फेमस किताब है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया इसका। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन किया गया था, यानी 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा गरीबी का मापन किया गया था, और उन्होंने गरीबी का उस समय जो पैमाना रखा था वो एक रखा था 1635 रुपये के बीच में, 1635 रुपये प्रति वर्ष के बीच में, ठीक है ना। तो औसत निकाला जाए तो 20 रुपये प्रति वर्ष, औसत निकाला जाए तो 20 रुपये प्रति वर्ष, कब, 1867-68 की बात की जा रही है, कि यदि कोई व्यक्ति 20 रुपये प्रति वर्ष उसका उपभोग व्यय नहीं है, ठीक है ना, उपभोग व्यय नहीं है, उपभोग नहीं कर पा रहा है, खर्च नहीं कर पा रहा है 20 रुपये, तो वो गरीब कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले गरीबी का मापन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में, और उन्होंने जो आय निकाला था वो 20 रुपया निकाला था, और उनकी एक फेमस किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन सब चीज़ों का वर्णन किया था, ठीक है। अब फिर उसके बाद आइए दूसरे नंबर पर रथ डांडेकर समिति 1971 में आती है, रथ डांडेकर समिति 1971 में आती है, और इन्होंने गरीबी मापने का पैमाना कैलोरी रखा, यानी गरीबी मापने 2250 कैलोरी का निर्धारण किया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी पर डे पा लेता है तो वो गरीब नहीं है, अगर नहीं पाता है, उससे नीचे पाता है, तो गरीब की श्रेणी में आएगा, ठीक है।
तीसरे नंबर पर आइए वाईके अलग समिति, ये कब आई, 1977-78 में वाईके अलग समिति आई और इन्होंने गरीबी मापने का पैमाना क्या रखा, कैलोरी ही रखा, लेकिन ये शहर और ग्रामीण में बांट दिया, शहरी के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400। अब थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी क्यों रखा गया है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी क्यों रखा गया है। तो इसलिए रखा गया है, शहरी क्षेत्र में कम इसलिए रखा गया है कि शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, यानी ऑफिशियल वर्क करते हैं, शहर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो वो मानसिक कार्य करते हैं, तो वो इसीलिए उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो फिजिकल वर्क करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, हल बैल से वो जुते हैं, पूरा काम करते हैं दिन भर खेतों में, तो उन्हें कैलोरी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि वाईके अलग समिति ने गरीबी का जो पैमाना रखा वो कैलोरी ही रखा और 1977-78 में ये रिपोर्ट आई थी और शहरी में 2100 और गाँव में क्या चाहिए, 2400 कैलोरी। चलिए डीटी लकड़ा वाला समिति, नाम थोड़ा अजीब है जी, बड़ा शानदार नाम है, आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगा, लकड़ा वाला समिति। ये लकड़ा वाला समिति कब आया, तो ये लकड़ा वाला समिति 1993 में आया और इन्होंने गरीबी मापने का पैमाना रखा क्या चीज़, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य। इन्होंने लकड़ा वाला समिति CPI के आधार पर गरीबी को मापने का आधार बनाया, लेकिन सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया, नहीं माना, ठीक है ना, CPI को नहीं माना कि हम इसके आधार पर गरीबी नहीं मापेंगे, ठीक है ना। तो लकड़ा वाला समिति 1993 में, गरीबी मापने का आधार CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी आते हैं 2004 में भी, 2011 में भी, और गरीबी मापने का जो पैमाना रखा इन्होंने वो क्या रखा, MPCE, मंथली पर कैपिटा कंज्यूम एक्सपेंडिचर, MPCE, ठीक है ना, ये आधार माना तेंदुलकर कमेटी, मंथली पर कैपिटा कंज्यूम एक्सपेंडिचर, यानी महीने में, एक महीने में कितना उपभोग व्यय है, उपभोग व्यय है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2014 में आता है इनकी समीक्षा के लिए, 2014 में रंगराजन कमेटी अपना रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं 2011-12 की गरीबी के लिए, ठीक है ना, रिपोर्ट प्रकाशित होती है रंगराजन कमेटी कब, 2014 में, लेकिन जो वो गरीबी मापते हैं वो किस में, 2011-12, यानी 2011-12 की गरीबी मापा जाता है और रिपोर्ट प्रकाशित होती है 2014 में, और इन्होंने भी क्या आधार बनाया, इन्होंने भी आधार बनाया MPCE, मंथली पर कैपिटा कंज्यूम एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में हम इसे कहें तो मासिक उपभोग व्यय, मासिक उपभोग व्यय। तो देखिए सवाल कैसे पूछता है, तो जितना सारा यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है सारे आंकड़ों को आपको याद रखना है, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, और उनके आधार पर जो गरीबी मापा गया है वो कितना प्रतिशत शहर में, गांव में, टोटल भारत में, यहां से सारे आपको आंकड़ा याद रखना है। और यहां से सवाल कैसे पूछता है, तो यहां सवाल पूछता है ये सारा जो जो समिति है, टोटल जो ये समिति है, टोटल 6 समिति है, ये टोटल समितियों को आपको याद रखना है और उनका क्रम याद रखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी, रथ डांडेकर 71 में, 1971 वाई के अलग 77-78 में, और लकड़ा वाला 1993 में, तुरे तेंदुलकर जो है 2004-11 में, और फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी 2014 में, ये आपको क्रम याद रखना है। दो तरीके से यहाँ से सवाल पूछते हैं, यहाँ पर आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सी समिति जो है वो गरीबी से संबंधित नहीं है, तो पूरा मालूम रहेगा तब तो आप उसमें से पकड़ पाएंगे। और दूसरा सवाल बनेगा कि आपको यहाँ से 4 समिति उठा कर देगा और कहेगा कि उनके रिपोर्ट प्रकाशित होने के क्रम के आधार पर, समय के आधार पर क्या करिए, क्रम को सजाइए। तो ये सारा सवाल यहाँ से आपको बन सकता है, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही, आशा करते हैं बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इसको अपने नोटबुक में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, हर एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।